अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ताहिरा रुबाब। मैं सेक्स थेरेपिस्ट हूं और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूं। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे कि फर्स्ट टाइम जो सेक्सुअल एक्टिविटी होती है उसका क्या इम्पैक्ट होता है, रियलिटी क्या होती है और फैंटेसी जो है वो किस तरह से लोगों के दिमाग को हाईजैक करती है। बेसिकली सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस कभी भी किसी भी इंसान के लिए उतने ज़्यादा आसान या नॉर्मल कभी भी नहीं होते, बिकॉज हमेशा सेक्सुअल परफॉर्मेंस का वो जो एक हमारे ऊपर लटक रहा होता है, बॉम्ब लटक रहा होता है, वो हमेशा इंसानों को परेशान करता है। ना सिर्फ आदमियों को बल्कि औरतों को भी इक्वली परेशान करता है, क्योंकि जहां आदमियों को ये टेंशन रहती है कि पता नहीं वो अपने पार्टनर को सेटिस्फाई कर पाएंगे या ना कर पाएंगे, टाइमिंग ठीक होगी कि नहीं होगी, इरेक्शन जो है वो अप्रोप्रिएट होगी या नहीं होगी, ये सारे फिक्र और डर उनके जहन में होते हैं, वहाँ पर ही औरतों के दिमाग में भी ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है, क्या वो अपने पार्टनर को पसंद आएंगी या नहीं आएंगी, क्या वो उस चीज़ को उस तरह से पूरा अपने पार्टनर की नीड को पूरा कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी, पेनफुल कितना होगा, और फिर जो है वो क्या चीज़ें जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उनको फोकस करने की ज़रूरत है, वो अपने पार्टनर के लिए अपीलिंग उतनी होंगी या नहीं होंगी। ये बहुत सारे ऐसे फियर्स होते हैं जो आदमी और औरत दोनों के जहन में, जब वो फर्स्ट टाइम अपने पार्टनर से मिल रहे होते हैं, दोनों के जहनों में होते हैं। और ये एक नेचुरल सा फिनोमेना है, क्योंकि जो काम आपने कभी किया नहीं होता या जो एक्सपीरियंस आपका पहले नहीं होता, उसको करते वक्त ज़रूर आपके जहन में इस तरह के खदशात जो हैं वो पैदा हो रहे होते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि हम बहुत सारे लोग, क्योंकि हम जितने भी हमारे डर आ रहे हैं, चाहे वो आदमियों की तरफ से हों या वो औरतों की तरफ से हों, आते कहाँ से, ये समझना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली ये डर जो है वो आते हैं हमारी सोशल लर्निंग से, यानी हमारे माशरे में सेक्सुअलिटी के बारे में, सेक्स के बारे में, सेक्सुअल एक्टिविटी के बारे में किस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो मौजूद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपके माशरे में इस टॉपिक के ऊपर या इस बात के ऊपर बात ही नहीं होती, तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे मिथ्स हमारी सोसाइटी में ऐसे हैं जो कि गलत किस्म के हैं, और वो लोगों के दिमाग में सिर्फ मिसकंसेप्शंस पैदा करते हैं और उनकी परफॉर्मेंस को, उनकी एंग्जाइटीज़ को जो है वो परफॉर्मेंस को डिक्रीज़ करते हैं और एंग्जाइटीज़ को जो है वो बढ़ाते हैं। अब पहला तो हमारा सोशल एक कॉन्सेप्ट है कि हमारी सोसाइटी में इस चीज़ के बारे में कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। देन ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास पास ऑन कैसे होती है, हम देखते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास दो तीन मीडियम से पास ऑन होती है। सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें आती है हमारी पीयर्स ग्रुप से, पीयर ग्रुप हमारा यानी हमारे जो दोस्त यार होते हैं, जो हमारी सहेलियाँ होती हैं, उनकी तरफ से ये इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें आना शुरू होती है। एंड देन जो है फिर हमें पता चलता है कि जी इंटरनेट जो है एक बहुत बड़ा ज़रिया है इस वर्ल्ड को, इस पूरी वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने का, और सेक्सुअलिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन, प्रैक्टिसेस और प्रिजर्वेशंस और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर इन्फॉर्मेशन इंटरनेट के ऊपर जो है वो मौजूद होती है। मगर इस सारी इन्फॉर्मेशन के साथ साथ हम कभी भी ये हम में से कोई भी इंसान जो है ये क्वेश्चन नहीं करता कि वो इन्फॉर्मेशन कितनी वैलिडेटेड है, कितनी उसमें सही है, कितनी गलत है। जो इन्फॉर्मेशन आती जाती है हम उसको प्रोसेस करते जाते हैं, और ह्यूमन नेचर है ये और साइकोलॉजी है कि इंसान ज़्यादा जो है वो डर को ज़्यादा प्रोन है, यानी वो डरता ज़्यादा है चीज़ों से। उसमें होप और वो बाकी सारी चीज़ें थोड़ी सी कम होती हैं, पॉजिटिविटी थोड़ी सी कम होती है, मगर डर और खौफ उसमें ऑटोमेटिकली थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और हमारे माशरे में डर और खौफ वैसे ही इंड्यूस किया जाता है बचपन से लेके जवानी और बुढ़ापे तक, ये सारी चीज़ें हमारे माशरे का हिस्सा हैं। सो इन्फॉर्मेशन जब हमें हमारे पीयर से मिलती है या हमारी हमारी सोसाइटी से मिलती है, तो हमारे लिए वही इन्फॉर्मेशन जो है वो एक बेंचमार्क बन जाती है। मसलन लोग पोर्नोग्राफी में देखते हैं कि जी लोगों के लोगों की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा है, अच्छी होती है, लोग जो है वो बहुत ज़्यादा अजीब किस्म के साउंड्स पैदा कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है रोमेंटिसाइज इन्वायरमेंट होता है, साइज लोगों के बहुत अच्छे होते हैं, स्टेमिना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और ऑन द अदर हैंड फीमेल जो है उसकी बॉडी बहुत कर्वी होती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि पोर्नोग्राफी में और सोशल मीडिया में और हमें मीडिया में कहीं ना कहीं नज़र आ रही होती है। अब वही इंसान का बेंचमार्क बन जाता है कि जी इस सेक्सुअल एक्टिविटी का मतलब ये है कि जो कुछ उन्होंने मीडिया पे देखा है, जो कुछ उसने लोगों से सुना है, जो कुछ उसने पोर्नोग्राफी में देखा है, वही हकीकत है। क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई और मीडियम ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, और ना ही आपने कभी किसी प्रोफेशनल से हेल्प लेने की या उससे बात करने की या उससे मालूम लेने की कोशिश नहीं की होती। ये हमारी सोशल प्रैक्टिसेस हैं। अब जब आप अपने पार्टनर के पास जाते हो और वही आपका बेंचमार्क एक बना हुआ होता है, तो आप अपने आप को भी कंपैरिजन वहीं पे उसी बेंचमार्क के ऊपर जो है वो कर रहे होते हैं, जो आपके फ्रेंड्स ने कहा होता है। यूजुअली फ्रेंड्स जब फर्स्ट टाइम आपका आप अपने पार्टनर से मिलते हो, तो फ्रेंड्स की तरफ से भी एक बड़ा प्रेशर होता है, आज ही इम्प्रेस कर देना है, आज ही ये हो जाना है, वो हो जाना है, एज इफ बस यही एक टाइम है, यही एक रात ऐसी है जिसके ऊपर आप अपने पार्टनर को जो है वो
इम्प्रेस कर सकते हैं या इसी रात जो है ये आपका ताल्लुक बनना बहुत ज़रूरी है, ये सोशल लर्निंग से आ रहा होता है, यानी हमें हमारे दोस्त यार अहबाब जो हैं वो बता रहे होते हैं ये सारी चीज़ें, और उस प्रेशर में फिर जो है जब आप परफॉर्म करते हैं तो आपको लगता है कि नहीं ये तो परफॉर्मेंस में भी आपकी एंग्जाइटी की वजह से वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा है और ह्यूमन माइंड की कैपेसिटी ये है कि अगर आप उसको प्रेशर बहुत ज़्यादा देंगे, अगर आप डरते रहेंगे तो फिर वो डर में आपकी चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, और अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे कि येस आपने एक अच्छा टाइम गुजारना है अपने पार्टनर के साथ नो मैटर वॉट, आपने उसके साथ उसको समझना है, उसकी ज़रूरत को अंडरस्टैंड करना है और अपने एक पेस के ऊपर जाना है, ना कि आपने पोर्नोग्राफी में की जाने वाली प्रैक्टिसेस को पूरा करना है, ना ही आपने वो सारी चीज़ें पूरी करनी है जो आपके फ्रेंड्स ने आपके दिमाग में डाली हैं, वो सारी चीज़ें पूरी करने की बजाय जब आप अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करते हैं कि आपने इसके साथ अपनी एक अच्छा कनेक्शन बनाना है, तो आपका फियर खुद ब खुद नीचे जाता है और आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होना शुरू हो जाती है और आपका ताल्लुक भी बेहतर बनना शुरू हो जाता है। बट ऐसा बहुत कम होता है कि हमारा फोकस हमारे पार्टनर के साथ कनेक्शन बनाने में हो, क्योंकि हमारे दिमाग में वो चीज़ें ज़रूर आती हैं कि जी ये जो फर्स्ट वेडिंग नाइट है आपकी या फर्स्ट टाइम आपका जो इंटरेक्शन ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी है ये तो इस वक्त ही इम्प्रेस हो सकते हैं आप। सो इन रियलिटी चीज़ें जो होती हैं वो बहुत डिफरेंट होती हैं, और इसी तरह से लड़कियों के जहन में भी बहुत सारी चीज़ें इस तरह की होती हैं कि जी शायद बहुत पेनफुल है, बहुत जो है इसमें पता नहीं आदमी कितना कुछ जाबर बन जाता है या कितना तकलीफ़ देने वाला इंसान होता है कि बहुत तकलीफ़ देता है या वो उस तरह से टेंडरली औरत को जो है वो डील नहीं करता, ये बहुत सारे खौफ उसके अपने जहन के पैदा करदा होते हैं यूजुअली। अब जब पोर्नोग्राफी में आपने स्टेमिनास बहुत ज़्यादा देखे होते हैं और साइजेस बहुत अच्छे होते हैं, टाइम बहुत अच्छा होता है, बड़ा रोमांटिसाइज एक माहौल होता है, एंड देन जो आपका पार्टनर होता है वो उसकी बॉडी भी बड़ी कर्वी होती है, और हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स मिलती है, क्योंकि हमारे यहाँ का माहौल उस तरह से नहीं है कि हम एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा करें या हम उतना रोमांटिसाइज चीज़ों को कर सकें या वो क्रिएट कर सकें, और एंग्जाइटी की वजह से वैसे ही आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी जो है वो कम हो जाती है। और हकीकत और रियलिटी में जब ये रियलिटी में और फैंटेसी में जब ये आपको कॉन्फ्लिक्ट नज़र आता है तो फिर आप अपने आप को दोबारा से कंपैरिजन एक क्रिएट करना शुरू कर देंगे, पोर्नोग्राफी में तो ऐसा होता था, मेरे साथ ऐसे हो गया, तो इसका मतलब ये है कि मेरी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है या मैं एक मेरे साथ कोई जो है वो प्रॉब्लम आ चुका है, जबकि हकीकत में आपके साथ प्रॉब्लम नहीं होता, हकीकत वही होती है जो आप जी रहे होते हैं, जिसको आप परफॉर्म कर रहे होते हैं। एक्चुअली 99% कपल्स जो हैं वही सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं जो आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, मगर आपके दिमाग में एक बहुत बड़ा जो है वो एक सस्पेंस होता है, बहुत फैंटसीज होती हैं, आप उसके साथ कंपैरिजन करने की वजह से अपनी रियलिटी को उतना ज़्यादा इंजॉय नहीं कर पाते, जिसकी वजह से पार्टनर डिससेटिस्फेक्शन में भी जो है वो ज़्यादा हो जाती है, और जो है आपका कनेक्शन ऑफ विद योर पार्टनर जो है वो भी उस तरह से बिल्ड नहीं हो पाता, और फिर आपकी अपनी परफॉर्मेंस जो इसकी वजह से इफ़ेक्ट होती है। बेहतर ये है कि आप बजाय इसके कि आप पोर्नोग्राफी को बेंचमार्क बनाएं, आप अपने पीयर्स के साथ जो है इस इन्फॉर्मेशन को उन्हीं से लेते हुए इस चीज़ को परफॉर्म करें, आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए जो आपको एक्चुअली इस चीज़ के ऊपर गाइड कर सके प्रॉपरली, और वो प्री मैरिटल काउंसलिंग होनी चाहिए, और प्री मैरिटल काउंसलिंग जो है वो उसमें आपको इस बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए कि आपके अपने मिथ्स क्या हैं, आपके अपने दिमाग में क्या है, और एक्चुअली चीज़ें जो हैं वो किस तरह से हो सकती हैं, बिकॉज ये चीज़ें जो हैं जब आपके मिथ्स अटेंड हो जाते हैं, जब आपकी फैंटसीज जो हैं वो रियलिटी में थोड़ी सी कन्वर्ट कर दी जाती हैं, आपको एक्चुअल इन्फॉर्मेशन दी जाती है, तो आपकी परफॉर्मेंस भी ऑटोमेटिकली बेहतर होना शुरू हो जाती है। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये टॉपिक जो है वो आपको हेल्प कर पाएगा कि आप भी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएँ कि फैंटसी क्या है और रियलिटी क्या है, एंड देन आप अपने पार्टनर के साथ अपने कनेक्शन को एक्चुअली इमोशनल सेक्चुअल फिजिकल और मेंटल कनेक्शन को डेवलप कर पाएँ, ना कि आप उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करें, बिकॉज इम्प्रेस करने से रिलेशनशिप नहीं बनता, रिलेशनशिप कनेक्शन बनाने से बनता है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच जी।